और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम धामी केंद्रीय राज्य मंत्री और अजय भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। आज अमित शाह आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ये आपको कल रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अमित शाह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे उनका स्वागत करने के लिए और साथ ही तमाम बीजेपी के नेता भी उनके साथ में मौजूद थे। और आज प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण अमित शाह करेंगे। हालांकि इससे पहले कल और परसों मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम अब साफ है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर भारी तबाही मची हुई है, अभी भी पानी भरा हुआ है और आपदा जैसी स्थिति निर्मित है। और ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुरेंद्र ढाका। सुरेंद्र, ये बताइए कि कब तक गृह मंत्री अमित शाह हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल सकते हैं और क्या वो उन्हीं क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पर काफी ज्यादा तबाही अभी भी मची हुई है? देखिए अमनदीप, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा रिश्ता पहुंचे हैं यहाँ रात को लगभग 12 बजे के बाद वहां पहुंचे हैं। सभी नेता, सभी मंत्री, सभी ने इनका स्वागत किया है। और एक बड़ी बात और है कि जिस तरह सुबह 9:40 पर अमित शाह, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई बड़े नेता आपदाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर निकल गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी उनके साथ मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ अमित शाह रात पहुंचे हैं और जो नुकसान है उसका जायजा लेना है। केंद्र से क्या मदद, कितनी और क्या मदद दी जा सकती है, उसको लेकर भी इस जो दौरा है, हवाई सर्वेक्षण जो कर रहे हैं, उसमें ये सब चीजें डिसाइड करनी है। और 11:40 पर अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से लगभग जहां वो जो अतिथि गृह है उसमें थोड़ी देर बैठकर इस पर चर्चा होगी कि इस नुकसान को कैसे भरपाई करनी है, कैसे केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है। इसको तमाम मंथन से 11:40 पर जब वो एयरपोर्ट जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां ये मंथन होगा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वापस चले जाएंगे। लगभग 1 बजे के लगभग दिल्ली जाने का वापस का प्रोग्राम है। सुरेंद्र, क्या केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ आर्थिक मदद का आज ऐलान हो सकता है? हालांकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान पहले किया जा चुका है, लेकिन आज अमित शाह जब सर्वेक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, तो क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ राशि दी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह 55 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और इतने भवन तबाह हुए हैं, जो लोगों का आवास है वो तबाह हो गए हैं और जानवर हैं, पशु हैं, जितने दुधारू पशु हों या वैसे पशु हों, पशुओं का बहुत नुकसान है, जानमाल का बहुत नुकसान है, तो तमाम आकलन अमित शाह आज कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण जो हो रहा है, आपसे चल रहा है हवाई सर्वेक्षण अभी, और उसमें तमाम पहलुओं पर इसमें बारीकी से बात होगी। और जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि जो आपदा में मारे गए लोग हैं उनको मुआवजा सरकार देगी, उनको आर्थिक मदद देगी, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनावी समर है और ऐसे में पब्लिक को मदद भी देनी है, क्योंकि चुनाव इससे इतर रखकर हम बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अभी एक संवेदना है परिवारों के प्रति, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का समय है, उनकी मदद करने का समय है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह अमित शाह रात देर रात पहुंचे हैं गुजरात से चलकर यहाँ, तो जाहिर सी बात है एक चीज जरूर से बात सकते हैं अमनदीप, केंद्र आर्थिक मदद का बड़ा ऐलान उत्तराखंड में कर सकते हैं। आप बने रहिएगा सुरेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।